नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने AWS की RDP पर इलास्टिक IP कैसे ऐड करेंगे। इलास्टिक IP का मतलब यह होता है कि एक IP आपको मिल जाएगी और वह IP आप चाहे जितनी बार RDP को ऑन करें, ऑफ करें, रिबूट करें, आपकी जो IP है वह सेम रहेगी, IP आपकी चेंज नहीं होने वाली है। जनरली तरीके से यह होता है कि जब हम लोग AWS पर RDP क्रिएट करते हैं और इसके बाद RDP को हम लोग जितनी बार बंद करते हैं फिर चालू करते हैं तो हमको एक नई IP मिल जाती है, जिससे कि हमको बार बार अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन होना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक फिक्स IP दे दी जाए तब आपको सिर्फ एक बार में ही अपनी IP डालना रहेगा, यूजर ID डालना रहेगा, पासवर्ड डालना रहेगा। इसके बाद आप अपनी RDP को चाहे जितनी बार रीस्टार्ट करें, बंद करें, चालू करें, आपकी जो IP है वह सेम होने वाली है। डायरेक्टली आप RDP पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी जो RDP है वह रन हो जाएगी। आपको बार बार यूजर ID पासवर्ड या फिर IP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से यह बता देंगे कि आप लोग अपनी AWS की RDP पर इलास्टिक IP कैसे ऐड करेंगे। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको लेके चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हमारे लैपटॉप का फैन थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वह थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉइस कर रहा है, तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है AWS कंसोल में। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा नाम और यहाँ पर आपको दिख जाएगी कंट्री आपकी। आपकी कंट्री जो भी यहाँ पर सेलेक्ट रहेगी वही IP आपको मिलने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट करके रखा हुआ है ताकि हमको इंडियन IP मिल सके। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिसेंटली विजिट EC2, आपको EC2 में जाना है। अगर यहाँ पर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर आपको आ जाना है सर्विस में। सर्विस में आपको आ जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है ई वाले सेक्शन में, डी के बाद ई पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा EC2। सिंपली यहाँ EC2 पर आपको क्लिक कर लेना है। EC2 पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको स्टैंड, अगर आपका स्टैंड पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपको स्टैंड क्रिएट करना है। स्टैंड क्रिएट सबको करना आता है, यानी कि RDP बनानी सबको आती है लगभग। अगर नहीं आती है तो हमारे चैनल पर बहुत ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख के RDP क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे स्टैंड हमने 2 क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास 2 स्टैंड ऑलरेडी क्रिएट हैं। अब हम इसी स्टैंड पर आपको इलास्टिक IP लगा कर दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आपको फिर से आ जाना है EC2 डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख जाएगा इलास्टिक IPs, सिंपली इस पर कर लेना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा AP South 1, अगर आपने यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा AP South 1। फिर आप जो भी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे उस कंट्री का कोड यहाँ पर एक तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एलोकेट। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेज वगैरह नहीं करना है, एलोकेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग एलोकेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक IP जो है वह एलोकेट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इलास्टिक IP एड्रेस एलोकेट सक्सेसफुली, हमारी जो IP है वह यही है, यह IP हमको मिल चुकी है। अब इस IP को हम लोग लगाएंगे अपने RDP पर। तो वह कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए। यहाँ पर आपको आ जाना है एक्शन में, यहाँ पर यह चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एसोसिएट इलास्टिक IP एड्रेस, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ पर आपकी IP एड्रेस दिख जाएगी और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंस्टेंस, अगर आप लोग अपने इंस्टेंस पर इस IP को लगाना चाहते हैं तो यह बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पर सेलेक्ट ही रहता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंस्टेंस और यहाँ पर सर्च करने के लिए दिया गया है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक कर देंगे तो जो भी इंस्टेंस आपने बना के रखे हुए हैं वह इंस्टेंस यहाँ पर शो होंगे। तो हम लोग टेस्ट पर इस IP को लगाने वाले हैं, जो कि टेस्ट नाम से जो हमारा इंस्टेंट है उस पर इस IP को लगाने वाले हैं। तो हम उसको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। इसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा चूज ए प्राइवेट IP एड्रेस, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। हर इंस्टेंस का 2 IP एड्रेस होता है, एक तो पब्लिक एक प्राइवेट। तो जो आपका प्राइवेट IP एड्रेस रहता है वह नहीं बदलता है, पब्लिक IP एड्रेस जो होता है वह AWS में हमेशा बदलता रहता है जितनी बार आप ऑन ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्राइवेट IP एड्रेस है उसको भी चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, उसके सामने लिखा है अलाउ दिस इलास्टिक IP एड्रेस टू बी एसोसिएटेड, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ एसोसिएट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी
इलास्टिक आईपी एड्रेस है वह हमारे आरडीपी पर लग चुकी है, तो हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। फिर से चलेंगे यहाँ EC2 डैशबोर्ड पे और यहाँ पर एक बार इसको कर देंगे रिफ्रेश। तो हमने एक इलास्टिक आईपी बनाया हुआ है, वह यहाँ पर अब दिख रहा है। सिंपली हमको स्टैंड्स पर कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद अब हम लोग इसको रन करेंगे, जो हमारी आरडीपी है उसको करेंगे रन। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं एक्टिव। तो जो हमारी आरडीपी है वह एक्टिवेट हो चुकी है और हमारी वही आरडीपी है 13.201.201.220। तो आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे और यह आईपी अब बदलने वाली नहीं है। आप चाहे जितनी बार इसको ऑन करें ऑफ़ करें, यह आईपी कभी भी नहीं बदलेगी। आप लोग डायरेक्टली इस आईपी को यहां से कॉपी करिए या फिर इस आईपी की जो एक फ़ाइल होती है आप लोग उसको भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ से डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। यह फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है टेस्ट नाम से। अब यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से हम इसका पासवर्ड डाल लेंगे और यह चीज़ आपको सिर्फ एक ही बार करना है। बार बार अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रिमेंबर मी पर आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ डोंट शो अगेन यस। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारी आईपी एड्रेस है वह सेम रहेगी। अब इसके बाद इसको हम फिर से एक बार ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं। यहाँ से कर देंगे इसको डायरेक्टली कट और इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। टेस्ट को यहाँ से कर देते हैं स्टॉप। तो हमारा जो स्टैंड है वह इस समय स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ से फिर से हम अपने स्टैंड को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब जो हमारी आईपी है वह कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे जितनी बार हम इस चीज़ को ऑन ऑफ कर लें या फिर रिबूट कर लें या फिर कुछ भी कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वही आईपी हमको फिर से मिली हुई है और जो हमारा पुराना फाइल डाउनलोड हुआ था उस फाइल को हम यहाँ से डायरेक्टली रन पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारी जो आरडीपी है वह सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। आईपी एड्रेस सेम रहने वाला है, आप लोग इसको चाहे जितनी बार ऑन ऑफ करिए। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमको यह पूरा भरोसा है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजबल वीडियो हम हमेशा इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का एरर आ रहा है या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको हमारी कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप यहाँ हमको डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। आप लोग यहाँ पर जाकर डायरेक्टली DM कीजिए, हम आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देंगे। तो हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।